हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सैनी सरकार जल्द ही गांव में रहने वाले 2,00,000 गरीब लोगों को 100-100 गज के प्लाट बांटने वाली है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही लाभार्थियों को प्लाट बांटे जाएंगे। यही नहीं, मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से धनराशि का भी प्रावधान रखा गया है ताकि लाभार्थियों को मकान बनाने में आसानी हो सके। रिपोर्ट्स के अनुसार सीएम नायब सैनी बीते दिन चंडीगढ़ में हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की समीक्षा बैठक में पहुंचे थे, जहां उन्होंने शहरी क्षेत्रों में दिए जाने वाले फ्लैटों की समीक्षा की। इस दौरान उनके साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि सीएम सैनी ने 100-100 गज के प्लाट बांटने की तैयारी को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। बताते चले कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 5,00,000 लोगों ने प्लॉट के लिए आवेदन किया हुआ है, जिसको देखते हुए सैनी सरकार अलग अलग चरणों में 100-100 गज के प्लॉट बांट सकती है। यही नहीं, सीएम सैनी ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि ये प्लॉट शहरों की तर्ज पर सभी सुविधाओं के साथ हो, जिसमें पक्की सड़कें, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा, पार्क और ओपन ग्रीन स्पेस की सुविधाएं उपलब्ध हो। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लॉट बांटे कब जाएंगे, तो यहां आपको बता दें कि फिलहाल 100-100 गज के प्लॉट बांटने को लेकर तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। जैसे ही सभी तैयारियां पूरी हो जाएंगी, उसको लेकर सभी नियमों और शर्तों के साथ निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक लाभार्थियों को 100-100 गज के प्लॉट आवंटित किए जाते हैं।